देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगामी लोकसभा के चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन कर 400 से अधिक सीटें प्राप्त करने के लक्ष्य हेतु भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा आयोजित शक्ति वंदन अभियान के अंतर्गत मंडल स्तर पर प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम का आयोजन भिलाई 3 के मंगल भवन में किया गया। इस कार्यक्रम में भिलाई 14 मंडल के सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण एवं जिले के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस बात का साक्ष्य है कि बीजेपी कैसे नारी शक्ति को विश्व भारती शक्ति बना रहा है। 2047 तक हमारे विजनरी प्रधानमंत्री जी ने एक विजन लेके रखा हुआ है कि पूर्ण विकसित भारत होना चाहिए। तो विकसित भारत तब तक इसकी परिकल्पना नहीं हो सकती जब तक आधी आबादी है ना, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उससे वंचित रहे। तो उसी के लिए मोदी जी ने, जब से मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, सेवक बने हैं, प्रधान सेवक बने हैं देश के, तब से उन्होंने नारी शक्ति के लिए, मैंने नारी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, मतलब चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो चंद्रयान में या फिर सूर्यान में उनकी सहभागिता हो, हर जगह, और 33% का जो उन्होंने आरक्षण दिया है, हर जगह उनका काम चालू है। आप देखिए जो गृहिणी है, गृहिणी भी मोदी जी की लाभार्थी बने, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने राशन कार्ड प्रमुख बनाया उनको, है ना, उन्होंने आवास प्रमुख बनाया ताकि वो सशक्त हो। नारी सशक्तिकरण की जो परिभाषा है उसको सुदृढ़ करें। तो इस ओर जो हम मोदी जी की जो अग्रणी भूमिका रही है, तो उसी को लेके अभी ये 3 दिनों का पखवाड़ा चल रहा है। 4 तारीख को हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया भिलाई नगर में, जो मैराथन रेस के रूप में रहा। कल स्कूटी रैली के रूप में भिलाई नगर विधानसभा में रहा। आज चरोदा में अतिथि के तौर पे मनीष भैया के साथ मेरे को यहाँ पे सौभाग्य मिला, दीदी का धन्यवाद। और हम लोग आज आके जो कार्यक्रम है, जो कोलकाता से 12-7 से जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संबोधन कर रहे हैं, आज स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ उसको हम लोगों ने सुना। और जन और जो मोदी जी ने जो कल्याणकारी जो योजनाएं बनाई हैं बहनों के लिए, वो आखिरी पंक्ति में खड़ी हमारी बहन तक पहुँचे, ये हम भाजपा कार्यकर्ता, महिला मोर्चा कार्यकर्ता, ये हम लोग इस बात को सुनिश्चित करें। इसको लेके प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा सुदृढ़ रहे। मैं ये बात रखना चाहती हूँ, बहुत प्रमुखता के साथ रखना चाहती हूँ। जब कांग्रेस सरकार पे आई थी, कांग्रेस सरकार का जब ये था, उन्होंने घोषणा की थी, गंगा जल हाथ में लेके उन्होंने कसम खाई थी कि हम लोग शराबबंदी करेंगे, और हमारी भोली भाली माताओं को, बहनों को उन्होंने छला था। हमारी सरकार ने कभी भी ऐसी कोई घोषणा नहीं की। इसी के लिए हम लोगों ने, आप देखा होगा कि हम लोगों ने 5 साल इस चीज़ को विरोध किया कि आपने गंगा जल की हाथ में लेके कसम खाई है तो उस ओर क्यों नहीं आप बढ़ रहे हैं। हमने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है। नहीं शराब, आप जो कह रहे हैं, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और अभी जो शराब नीति बनेगी वो बिल्कुल इस ओर रहेगा, देखिए इस ओर रहेगा कि माताओं बहनों को जो ये पीड़ा है उसको और मतलब किस तरीके से कम किया जाए, बिल्कुल ये चीज़ देखी जाएगी। शक्ति वंदन योजना माननीय, हम सब महिलाओं के लिए खुशी की बात है कि माननीय मोदी जी ने हम महिलाओं को एक सम्मान के रूप में आज का एक कार्यक्रम किया है कि नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम। चूंकि इस देश की परंपरा रही है कि यहाँ पे नारी को, शिव शक्ति को, दोनों को पूजा जाता है, तो पर आज तक आज़ादी के लगभग 75-76 सालों के बाद भी महिलाओं को हमको उतना सम्मान नहीं मिल पाया था। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे 10 साल पहले जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है, उन्होंने महिलाओं की परेशानियों को भी समझा, साथ साथ उन्हें सम्मान देने का अवसर भी एक हमें दिया है। चाहे इतनी योजनाएं जो अभी हम सुन रहे हैं माननीय मोदी जी की, हमने सुनी कि हमें लगता है टॉयलेट से लेकर के आज राजनीति में हमको 33% आरक्षण
जो हमारे सामने एग्जाम्पल भी कि छत्तीसगढ़ की लोकसभा की 11 सीटों में से 3 सीटें उन्होंने महिलाओं को दी है। तो आप ये मानिए कि माननीय मोदी जी सिर्फ नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम करते ही नहीं है, उसे अमल में भी लाते हैं। और जब से वो बने हैं तब से महिलाओं को उज्ज्वला योजना, पानी की योजना, मतलब घर की छोटी जरूरतों से लेकर राजनीति में चाहे बाहर समाज में बड़े नेतृत्व देने के अवसर देने में माननीय मोदी जी पीछे नहीं है। आज उसी की एक परिणति नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मोदी जी अपने दिल की बात अपनी बहनों से शेयर करना चाहते हैं और बहनों का सुनना चाहते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित था। पूरे देश में आज महिला स्व सहायता समूह के जरिए सभी देश की आधी आबादी तक अपना विषय पहुंचाने के लिए माननीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। और सभी जितनी भी उनकी उपलब्धियां हैं विगत 10 वर्षों की, नारी शक्ति से संबंधित जो भी महिलाओं के, चाहे जनधन योजना, राशन कार्ड में मुखिया महिलाओं को बनाने की योजना से लेकर आज तक जितनी भी योजना है, वो उसका एक ब्यौरा प्रस्तुत भी कर रहे हैं। और महिला स्व सहायता समूहों के जरिए ये हम सब जानते हैं कि पूरे समाज के अंदर जो आज उनका लक्ष्य है कि लगभग 10 करोड़ महिलाओं तक पहुंचना, वो इसके बगैर संभव भी नहीं है बगैर महिलाओं के सहभागिता के। तो यह कार्यक्रम उस निमित्त आयोजन किया गया है कि लगभग 10 करोड़ महिलाओं तक पहुँचने के लिए और 30 लाख स्व सहायता समूहों के साथ सीधा संवाद उनका जो होना है। और उन्होंने एक लक्ष्य भी दिया है कि इस योजना के अंतर्गत जो विभिन्न योजनाएं चल रही, कार्यक्रम चल रहे हैं, उससे हम लगभग 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का उन्होंने गारंटी दिया है। और जैसा आप सभी जानते हैं, मोदी की गारंटी होती है। आज शक्ति वंदन कार्यक्रम के लिए मैं प्रमुखता से हमारे आदरणीय, हमारे देश के प्रधान सेवक आदरणीय मोदी जी को दूंगी, क्योंकि बहनों के लिए हमारे मोदी जी ने सबसे पहले, तो मोदी जी जब शपथ लिया तो पहले बहनों को निःशुल्क धन जन खाता का लाभ दिया, इससे हमारी बहनें बढ़ चढ़ के उनके नजदीकी गए। उसके बाद में चूल्हा से लेकर राशन सभी कुछ हमारी बहनों को देने की प्रयास किए। और अभी हमारी बहनें चूल्हा चौका करती है, लेकिन उनको अपने पैरों में खड़ा हो बोल के समूह के जरिए से उन्हें लोन भी दे रही है, और लोन देकर उनको अपने आत्मनिर्भर बनाना चाहती कि अपने परिवार में आप भी सहयोगी बने।